बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सतीश कौशिक के निधन की खबर ने जहां एक तरफ उनके चाहने वालों को सकते में डाल दिया है, वहीं अब दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सतीश कौशिक जुहू में जावेद अख्तर साहब की होली पार्टी में शामिल होने के बाद दिल्ली में एक गुटखा व्यापारी के यहाँ बुलावे पर आए थे। हैरत की बात यह है कि ये व्यापारी एक आपराधिक मामले में अंडरग्राउंड है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सतीश कौशिक सिर्फ उस व्यापारी से ही मिलने आए थे, दिल्ली के मानेसर के एक फार्म हाउस में भी उन्होंने बाकी लोगों से मुलाकात की थी, जिसके बाद वो पास ही के एक होटल में रेस्ट के लिए गए थे। उस होटल के कमरे में पुलिस ने कुछ संदिग्ध दवाइयां बरामद की हैं। पहले इन दवाइयों को लेकर ऐसा दावा किया जा रहा था कि ये कब्ज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां हैं, लेकिन अब इन दवाइयों की जांच नए सिरे से किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हार्ट अटैक की बात कही जा रही है, लेकिन विसरा की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि क्या सतीश कौशिक को कोई नशीली दवा तो नहीं दी गई है। वहीं सतीश कौशिक के मैनेजर ने भी यह बयान दिया है कि बुधवार सुबह 10 बजे होली मनाने के लिए वो दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 पुष्पांजलि में आए थे। हालांकि सेलिब्रेशन के बाद वो पुष्पांजलि में रुके थे। रात करीब 12 बजे उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और बताया कि उनकी छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो तुरंत उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल लेके गए, जहां गेट पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। चूंकि सतीश कौशिक एक दिग्गज अभिनेता हैं और केस हाई प्रोफाइल है, इसलिए किसी भी पहलू को बिना जांचे दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठा रही है। जल्द ही विसरा रिपोर्ट और सतीश कौशिक की दवाइयों की डिटेल सामने आने की उम्मीद है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़।